नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सौरभ गुप्ता नाम से सर्च करेंगे या फिर वीडियो के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मैथ का, पूरी मैथ वहां पर आपको मिल जाएगी। देखो 21 अगस्त की पहली शिफ्ट की बात करी जाए तो टेलीग्राम पर सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं, सबको यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन जो भेजा है, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा है, EPSOM, इप्सम सॉल्ट। तो इप्सम सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgSO4 और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, तो इसका नाम याद रखने का। एक बुक का नाम पूछा गया है हाफ बॉयफ्रेंड, हाफ बॉयफ्रेंड जो नॉवल है इसके राइटर का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूडी बालान, ठीक है। ये इसका मैं फोटो भी दिखा दे रहा हूँ, ये है नॉवल जूडी बालान और इसमें एक और राइटर है जिनका नाम है किशोर मनोहर, तो जो भी पूछा गया हो उस पर टिक कर देंगे, किशोर मनोहर और जूडी वालान हाफ बॉयफ्रेंड नाम के नॉवेल में इसके राइटर हैं। इसके बाद में मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2:40 देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो, क्योंकि जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है बिल्कुल वैसा ही मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो इसको आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हार्मोन पूछा है, तो ये हो जाएगा, देखो कल तक क्या था कि पौधे का मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन प्रोडक्टिव पार्ट पूछ रहा था, यहाँ पर आज मेल ह्यूमन का पूछा है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, तो इसको आंसर टिक करेंगे। पावर का यूनिट पूछा है, तो पावर का यूनिट हो जाएगा वॉट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो देखो फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5। फिर आपसे पूछा है एलसीएम बताना है, 12 का, 15 का, 20 का और 54 का, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देना। फिर एक मेलेबल मेटल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है वो चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन ये समझ लो मेलेबल मटेरियल वो होते हैं जिनको हम लोग ठोक पीट कर उनको चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, इनको पीट पीट के किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कौन कौन से होते हैं, देखो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, स्टील हो गया, ये मेलेबल मटेरियल्स होते हैं, इनको पीट के किसी भी चादर में या किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद में देखो ब्रोमीन किस वर्ग का है, ये क्वेश्चन मिला है। इसके बाद में क्वेश्चन मिला है कि ड्राई आइस जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, ये देख लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि अगर अमाउंट दे रखा है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 3 साल में कितना हो जाएगा। तो मैथ का बड़ा आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। फिर एक दूसरे बच्चे ने फिर से वही क्वेश्चन भेज दिया है कि पावर की SI यूनिट बतानी है, तो इसका होगा वॉट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हुंडई कार होती है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान हुंडई कार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन अजीब सा पूछा गया है कि ट्रंप की सरकार में यानी कि अमेरिका में किसी एक मेडिकल से रिलेटेड बोर्ड में किसी इंडियन वुमेन का नाम बताना है, तो ये नाम वैसे सबको याद नहीं रहता है, लेकिन जो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ता होगा उसको ज़रूर याद होगा। तो इसका नाम देखो मैंने खोज निकाला है, इनका नाम है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये रहेगा, देखो सीमा वर्मा नाम है ये, अमेरिका में ट्रंप सरकार में इनको एक मेडिकल से रिलेटेड एक पोस्ट मिली है जिसका नाम है मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेस, ठीक है, सीमा वर्मा इनका नाम है, तो इनका ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं ऊपर जहाँ पर हम लोग थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके थे हम लोग। पूछा है कि एक कंडक्टर का नाम बताओ विद हाई रेजिस्टेंस, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वो कंडक्टर नहीं होगा, तो ऑप्शन होने पर टिक किया जा सकता है कि कौन कौन से ऑप्शन थे। एक मैथ का क्वेश्चन पूछा कि अगर टेन थीटा इक्वल टू हो जाए √2 + 1 देन फाइंड टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैथ को यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा पूछा है साक्षी मलिक कहाँ की रहने वाली हैं, तो साक्षी मलिक हरियाणा की रहने वाली हैं, ये आप फोटो देख सकते हैं उनका। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक नारी पोर्टल करके इसकी वो लॉन्च हुआ था पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया था, इसको किया था मेनका गांधी ने।
दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, ये एक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे को 7.2 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं, तो दोनों ट्रेन की स्पीड का सम, स्पीड का समेसम बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, असम के सीएम का नाम पूछा है, तो असम के सीएम का नाम हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। ये पूछा गया है, ये तो बहुत दिनों से पूछ रहा है, सीएम और गवर्नर तो आपको घोल के पी जाना है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 4, 8, 12, 24, 18 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, वैल्यू क्या होगी ये आप लोग बताएंगे। गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो चीज़ नहीं पता है। फाइनेंस मिनिस्टर पूछा गया है वेस्ट बंगाल का, तो ये अमित मिश्रा हो जाएंगे वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं नेट ऑन करता हूँ, हो सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर और क्वेश्चन आए हों, तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेट ऑन कर लिया है मैंने, और अमरनाथ, देखो अमरनाथ जी ने क्वेश्चन भेजे हैं कि वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाटा कंपनी के सीईओ का नाम पूछा, तो टाटा में कौन सी कंपनी का सीईओ, ये चीज़ आप लोग बताएंगे, ऑप्शन होने कंप्लीट क्वेश्चन होने पे पता चल पाएगा। उसके अलावा कहना कि एशियन गेम्स का एक क्वेश्चन आया था, बाल्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो ये शायद ब्लड रिलेशन का बोल रहे होंगे, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था। सिंपल एंड रीजनिंग आई थी, सिंपल डिकोडिंग, डिकोडिंग वेन आरेख और मिरर इमेज, ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखकर भेजा है जल्दी से। हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, शाहरुख खान इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चलते हैं, देखते हैं और किसी ने भेजा होगा क्वेश्चन, तो ये देखिए ये क्वेश्चन और भेजे हैं कुछ, यहाँ पर हुंडई का सीईओ, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बता दिया है मैंने। ये देखो वही क्वेश्चन, देखो आप लोग बोलते हो ना कि सर आप क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आ रहे, देखिए अलग अलग बच्चों के, मैं यहाँ पर आपको मैसेज पढ़ के लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ, नेट ऑन है मेरा। यहाँ पर देखो अलग अलग बच्चों ने सेम क्वेश्चन भेजे हैं। देखो अमेरिका में कौन सी भारतीय मूल की महिला है जो मिनिस्टर है, सीमा वर्मा, मैंने नाम बता दिया आपको। उसके अलावा और कोई अलग क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन मैथ का भेजा है कि x²-6x+k=0 है, तो अगर x=2 है तो k की वैल्यू बतानी है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये मेल में ये ह्यूमन का हार्मोन पूछा गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं और किसी ने क्वेश्चन भेजा हो, प्रिय रंजन। इसके बाद में देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर का नाम, देखो यहाँ पे भी इन्होंने यही पूछा बताया है कि वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर का नाम बताना है। इसके अलावा देखो बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए आज के क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर टेलीग्राम पे सर्च करें टारगेट स्टडी आईक्यू, देखो टारगेट स्टडी आईक्यू, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वाला आपको चैनल मिल जाएगा जिसमें 156,000 लोग पहले से जुड़ चुके हैं, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर ज्वाइन करके आपको क्वेश्चन मिल